चिल्ड्रन, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 5 करेंगे, द न्यूज़ रीडर। न्यूज़ रीडर क्या होता है? जो समाचार बताता है, समाचार जो पढ़ता है। दिस फार्म हैड मैनी एनिमल्स, इस फार्म में बहुत सारे जानवर रहते थे। हॉर्सेस, काउज, पिग्स एंड हैंस, घोड़े, गाय, सुअर और मुर्गियाँ। बट दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द फार्म, लेकिन उनको इस फार्म से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। देयर मास्टर लुक्ड आफ्टर देम वेल, हालांकि उनका जो मालिक था वो उनकी बहुत देखभाल करता था। बट नेवर अलाउड देम टू गो आउट, लेकिन उनको कभी बाहर नहीं जाने देता था। द हॉर्सेस वर लकियर समवट एज दे विजिटेड द आउटसाइड वर्ल्ड समटाइम वैन दे हैड टू पार्टिसिपेट इन सम रेस। जो घोड़े थे वो कभी कभी भाग्यशाली होते थे कि उनको वो रेस में लेके जाता था। एज दे टू वर कन्फाइंड विद इन द फेंस, लेकिन उनको भी एक फेंस होता है, बाड़ा, जो घेरा जिसमें जानवर को रखा जाता है, उसमें वो उनको कन्फाइंड मतलब कैद करके रखता था। दीज फार्म एनिमल्स वॉन्टेड टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड दिस सर्विस वॉज गिवन टू दैम बाय द क्रो। ये जो फार्म के एनिमल थे वो बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहते थे कि बाहर क्या हो रहा है, और उनको ये कौन बताता था? एक कौवा था ये। द क्रो वॉज द रेगुलर विजिटर टू दैम, ही लेफ्ट हिज नेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, गैदर्ड न्यूज स्टोरीज फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड कम टू द फार्म। जो कौवा था वो सुबह ही अपने घोंसले से निकल जाता बाहर, फार्म से बाहर, और बाहर से बहुत सारी खबरें और कहानियाँ इकट्ठी करता और वापस आ जाता। हेयर ही पर्च्ड ऑन द फेंस एंड स्पोक आउट द न्यूज़। पर्च्ड मीन्स शाखा पर बैठना, जैसे पक्षी बैठते हैं। वो वहाँ पर बैठता और उनको, सारे जानवरों को इकट्ठा करके, वो बाहर की दुनिया की खबर सुनाता जो लेके आता था। विथ क्वाइट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यूज़ रीडर, बिल्कुल एक समाचार वाचक की तरह। द फार्म एनिमल्स ऑलवेज गैदर्ड टू हियर द क्रो, जो फार्म के जानवर थे वो हमेशा उसको सुनते थे। दो दे डिड नॉट लाइक हिज हार्श वॉइस, हार्श वॉइस मीन्स बिल्कुल रूख कड़वी आवाज़, जैसे कौवे की आवाज़ बिल्कुल कर्कश आवाज़ होती है ना, वो उसको पसंद नहीं करते थे उसका आवाज़ को, फिर भी वो सुनते थे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ही वॉज ट्रीटेड लाइक एन इम्पोर्टेंट विजिटर, और वो उसका स्वागत बिल्कुल एक महत्वपूर्ण आगुदंग, विजिटर मीन्स आने वाला, बहुत महत्वपूर्ण आने वाले की तरह करते थे। हाउ एवर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज द क्रो फेल्ट दैट ही वॉज बींग इग्नोर, हालांकि कुछ दिनों से अब कौवे को लग रहा था कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। द फार्म एनिमल्स डिड नॉट गैदर राउंड हिम एज दे यूज टू डू, अब जो फार्म के एनिमल उसके चारों तरफ इकट्ठा नहीं होते थे। अर्लियर दे लेफ्ट देयर फूड टू लिसन टू द स्टोरीज, बट दीज डेज दे वर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, पहले तो वो उसकी कहानियों को सुनने के लिए अपना खाना तक छोड़ देते थे, लेकिन अब वो उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। वाइल ही नरेटेड द स्टोरीज वन आफ्टर अनोदर द एनिमल्स केप्ट बिजी मंचिंग देयर फूड, अब वो कोई कहानी सुनाता था तो जानवर या तो कुछ खाना शुरू कर देते थे, मंचिंग मीन्स आवाज करके खाना। इट इमिटेटेड द क्रो एंड ही वॉन्टेड टू नो, इमिटेटेड मतलब चिढ़ाना, इससे कौवे को बहुत ऐसा लगता था कि कोई उसे चिढ़ा रहा है, और वो जानना चाहता था व्हाट हैड हैपेंड दैट द फार्म एनिमल्स वर नॉट एज अटेंटिव टू हिम एज दे वर बिफोर। और अब वो उसको ये लग रहा था कि क्या ऐसा कारण है जो जानवर ऐसे बदल गए हैं, वो उसको पहले के जैसे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। ओ हॉर्स हैव यू हर्ड दैट द ग्रास ऑन द हिल साइड वॉज ड्राइड, द क्रो साइड, अब जो कौवा था उसने घोड़े को समाचार सुनाया कि घोड़े क्या तुम्हें पता है कि जो पहाड़ियों पर घास है वो सूख गई है। टेल समथिंग न्यू, कुछ नया बताओ क्रो, कौवे, वी ऑलरेडी नो इट, हमें तो ये पहले से ही पता है। सेड द हॉर्स एज ही वेंट टू द अदर साइड, इतना कह के वो घोड़ा उसको अनदेखा करके चला गया। ओ पिग डू यू नो दैट द किंग इज गोइंग टू वॉर, द क्रो सेड, वॉर मीन्स युद्ध। सुअर क्या तुम्हें पता है, अब उसने सुअर से कहा, सुअर क्या तुम्हें पता है कि जो राजा है वो युद्ध के लिए जा रहा है। आई नो विद द किंग ऑफ ईस्ट कंट्री, हाँ मैं जानता हूँ वो पूर्व देश का राजा है। सेड द पिग इन एन इंडिफरेंट टोन, इंडिफरेंट मीन्स उदासीन मतलब उपेक्षित करना। हाउ डू यू नो पिग, तुम्हें कैसे पता सुअर,
द क्रो आस्क्ड, कौवे ने पूछा, बट बाय द टाइम द पिग हैड ऑलरेडी गोन अवे, लेकिन तब तक सुअर उसको छोड़ के जा चुका था। हाउ आर दे गेटिंग न्यूज़ बिफोर आई टेल देम, उनको पहले से ही समाचार का कैसे पता चल जाता है, कौवा सोच में पड़ गया। द क्रो मटर्ड एंड, मटर्ड मतलब बुदबुदाना, एंड डिसाइडेड टू फाइंड इट आउट नेक्स्ट डे, और उसने निश्चय कर लिया कि वो इस बात का पता करके रहेगा। नेक्स्ट डे ही लेफ्ट हिज नेस्ट वेल बिफोर हिज यूजुअल टाइम, अगले दिन वो अपने रोजाना के टाइम से पहले ही घोंसला छोड़ के चला गया। गैदर्ड न्यूज़ एंड कम टू द फार्म, बाहर गया, न्यूज़ इकट्ठा की और फार्म पे लौट आया। नाउ ही न्यू हाउ द फार्म एनिमल्स गॉट द न्यूज़ बिफोर ही डिलीवर्ड इट, अब उसने सोचा कि अब मैं देखता हूँ कि मेरे से पहले कौन इनको समाचार सुनाएगा। देयर वॉज ए स्मॉल हमिंग बर्ड, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा हमिंग बर्ड, एक हमिंग बर्ड होता है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। शी सैट ऑन ए हॉर्स वाइल द फार्म एनिमल्स गैदर्ड अराउंड, वो जो हमिंग बर्ड था वो एक घोड़े पे बैठा था और सारे जानवर उसके चारों तरफ थे। शी टोल्ड वन स्टोरी ऑफ न्यूज़ ऑफ फन अनदर, शी टोल्ड इवन दो स्टोरीज विच द क्रो डिड नॉट नो, और वो ही उन सब जानवरों को कहानियाँ सुना रहा था, वो हमिंग बर्ड, और ऐसी कहानियाँ सुना रहा था जो कौवे ने भी कभी नहीं सुनाई। बट द क्रो डिड नॉट वॉन्ट टू लोज हिज इम्पोर्टेंस, लेकिन कौवा अपने जो इम्पोर्टेंस, अपनी महत्ता नहीं खोना चाहता था। ही क्राइड एट द हमिंग बर्ड, वो हमिंग बर्ड पर चिल्लाया, यू इग्निफिकेंट बर्ड, यू आर नॉट डूइंग ए नाइस थिंग, तुम एक घटिया पक्षी, तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो तुम न्यूज़ सुना रहे हो। वट नाइस थिंग एम आई नॉट सपोज टू डू, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ अच्छी चीज़, आस्क द हमिंग बर्ड इन हर स्वीट वॉइस, उसने हमिंग बर्ड ने बहुत मधुर आवाज में बोला, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। यू सी आई वॉज द वन हु वॉज टेलिंग द स्टोरीज हेयर, तुम्हें पता है मैं ही हूँ जो यहाँ पे पहले से कहानियाँ सुना रहा हूँ। दीज एनिमल्स लाइक्ड मी वेल इनफ एंड वर हैप्पी विद माई स्टोरीज, ये जो जानवर हैं ये मेरे से बहुत खुश रहते हैं। देन यू स्टार्टेड कमिंग हेयर एंड हैव अजर्व माई प्लेस, आई कैन नॉट अलाउ इट, सेड द क्रो इन डिसअप्रूवल। अजर्व मीन्स किसी का पद या उसकी सत्ता छीन लेना, तुम मेरा ये पद मुझसे छीन लेना चाहते हो, पर तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। सो वट डू यू वॉन्ट नाउ, आस्क द हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड ने कहा कि तो अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। आई एम द न्यूज़ रीडर फॉर दिस फार्म, मैं इस फार्म का न्यूज़ रीडर हूँ। यू कैन गो एल्सवेयर एंड बी ए न्यूज़ रीडर देयर, तुम कहीं और चले जाओ और वहाँ के न्यूज़ रीडर बन जाओ। सैड द क्रो, कौवे ने कहा, आई वांट टू सी द लास्ट ऑफ यू हेयर, मैं तुम्हें अब आखिरी बार देख रहा हूँ, फिर नज़र मत आना यहाँ। द क्रोज़ वॉइस वॉज थ्रेटनिंग, जो कौवे की आवाज़ थी वो धमकी देने की थी। वेल लेट अस नॉट डिसाइड हु शुड बी द न्यूज़ रीडर हेयर, सैड द हमिंग बर्ड, वी शुड लीव द डिसीजन ऑन दिस फार्म एनिमल्स, हुएवर दे वॉन्ट विल स्टे। तो हमिंग बर्ड ने कहा कि हमें ये निर्णय बाकी जानवरों पे छोड़ देना चाहिए कि वो किसको रखना चाहते हैं। द क्रो एड्रेस्ड द फार्म एनिमल्स, वेल फॉक्स हु डू यू वॉन्ट, फॉक्स मीन्स साथी, उसने कहा कि साथियों बताओ तुम क्या चाहते हो। सम फार्म एनिमल्स क्राइड एट द क्रो वाइल अदर शाउटेड द हमिंग बर्ड, कुछ ने तो हमिंग बर्ड का नाम लिया कि हाँ ये रहना चाहिए, और कुछ ने कौवे का लिया। एंड इट वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग, और सब कन्फ्यूज हो गए। एट दिस एक काओ सेड, तो एक गाय ने कहा, आई थिंक लेट देम कम्प्लीट विद ईच अदर एंड द विनर विल स्टे, मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन कराना चाहिए और जो विनर होगा वही यहाँ पर रुकेगा। द क्रो फेल्ट कॉन्फिडेंट बिफोर द स्मॉल हमिंग बर्ड, सो ही सेड ऑल राइट वी विल हैव ए फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, हूएवर शोज फाइन ट्रिक्स इन फ्लाइंग विल कंटिन्यू टू बी द न्यूज़ रीडर, डू यू एग्री। तो कौवे ने कहा कि हाँ हमें एक उड़ने का कॉम्पिटिशन कर लेना चाहिए। द हमिंग बर्ड नॉडेड एंड द एनिमल्स चीयर्ड, द फर्स्ट टर्न वॉज टेकन बाय द क्रो, जो हमिंग बर्ड उसने भी हाँ भर दी कि हाँ होना चाहिए, पहली टर्न कौवे की थी। ही शोड हिज स्किल इन फ्लाइंग, उसने बहुत उड़ने में बहुत दक्षता दिखाई। ही थर्स्ट फॉरवर्ड ही एट ग्रेट स्पीड, वो बहुत तेज स्पीड में उड़ा। ही डिप्ड, उसने गोते खाए, ही फ्लिप्ड अप इन द एयर, वो हवा में उड़ता गया।
ही फ्लू इन सर्कल, वो गोल गोल भी उड़ा, ही स्किम द ग्राउंड, कभी वो जमीन में छूता, एंड ही फ्लोटेड इन द एयर, और फिर वो हवा में तैरने लगता। द फार्म एनिमल्स चीयर्ड हिम इन अप्रिसिएशन, जो फार्म के एनिमल थे वो प्रशंसा करने लगे उसके और खुश हो गए। इट वॉज श्योर इनफ दैट द हमिंग बर्ड वुड नॉट बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। ब्रेथलेस हर सेटिंग ऑन द फेंस एंड इन्वाइटेड द हमिंग बर्ड टू स्टार्ट शोइंग हर स्किल। अब हमिंग बर्ड ने भी सोचा कि उसे भी कुछ अपनी स्किल दिखानी चाहिए। द हमिंग बर्ड फ्लू फॉरवर्ड, हमिंग बर्ड आगे उड़ा, फ्लू राउंड गोल उड़ा, एंड राउंड फ्लू अप एंड फ्लू डाउन, बट ऑल दीज ट्रिक्स डिड नॉट विन एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम द फार्म एनिमल्स। द क्रो वॉज फीलिंग elated that he was to be the winner. लेकिन उसकी हमिंग बर्ड की कोई भी तरकीब जानवरों को अच्छी नहीं लगी। अब कौवा खुश हो गया, elated means खुश की वही विजेता बनेगा। But then the hummingbird did something which the farm animals had never seen before. लेकिन अब हमिंग बर्ड ने कुछ ऐसा किया जो जानवरों ने कभी नहीं देखा था। She flapped her wings, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, and stayed at one place, और एक जगह पे रुक गया। Without moving forward and backward, बिना आगे पीछे हुए। The animals cheered her for the first time and their cheer became a roar when the hummingbird started to fly backward. वो एनिमल खुश हो गए क्योंकि वो हमिंग बर्ड अब एकदम से पीछे की तरफ उड़ा। With these two tricks, इन दो तरकीबों से the hummingbird had won the contest, उसने ये contest जीत ली। The crow cawed in disappointment, जो कौवे की आवाज़ होती काव, जो कौवा था उसने निराशा से अब आवाज़ निकाली। बट द हमिंग बर्ड वॉज कंसिडरेट, लेकिन वो हमिंग बर्ड बहुत बुद्धिमान था। शी सेड, उसने बोला टू द क्रो, कौवे से, लेट अस कॉम्प्रोमाइज़, हम एक समझौता कर लेते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से, वी शैल बी द न्यूज़ रीडर ऑन अल्टरनेट डेज, हम दोनों ही न्यूज़ रीडर रहेंगे। जब कभी तुम समाचार नहीं सुना पाओगे तो मैं सुना दूंगा, और मैं नहीं सुना पाऊंगा तो तुम सुना दूंगे, यानी दोनों एक दूसरे के विकल्प रहेंगे। द फार्म एनिमल्स चीयर्ड द हमिंग बर्ड इवन लाउडर, अब सारे फार्म एनिमल्स उसको हमिंग बर्ड को देखकर बहुत, उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो गए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। डेट है 25 मई 2020। चैप्टर 5 द न्यूज़ रीडर। वर्ड मीनिंग, न्यूज़ रीडर समाचार वाचक जो समाचार सुनाता है। लकियर बहुत भाग्यशाली। पार्टिसिपेट हिस्सा लेना। कन्फाइन कैद करना या रोक कर रखना। कॉम्प्रोमाइज समझौता। यूजुअल सामान्य। अल्टरनेट विकल्प या दो प्रकार की परिस्थितियाँ। इमिटेट नकल उतारना या चिढ़ाना। फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड द फार्म एनिमल्स गेट टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जो फार्म के एनिमल वो बाहर की दुनिया के बारे में कैसे जानते थे। दिस सर्विस वॉज गिवन टू देम बाय द क्रो हु लेफ्ट हिज नेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, गैदर्ड न्यूज स्टोरीज फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड कम टू द फार्म। ये सर्विस जो थी उनको न्यूज़ सुनाने की, ये एक कौवे के द्वारा उनको दी जाती थी जो उसी फार्म में रहता था, और वो सुबह ही अपना घोंसला छोड़ के निकल जाता था और सारे न्यूज़ इकट्ठा करके बाकी जानवरों को बताता था। Why was the crow being ignored by the farm animals? जो कौवा था वो बाकी जानवरों के द्वारा इग्नोर क्यों किया जा रहा था, उपेक्षित। The crow was being ignored. Ignored means उपेक्षित by the farm animals because a small humming bird started to tell news. क्योंकि एक छोटा हमिंग बर्ड जो था उसने उन जानवरों को न्यूज़ सुनानी शुरू कर दी थी, स्टोरीज कहानियाँ, टू द फार्म एनिमल्स बेटर देन द क्रो, और वो कौवे से भी अच्छी कहानियाँ उन जानवरों को सुनाता था। व्हाई डिड द क्रो टेल द हमिंग बर्ड, कौवे ने हमिंग बर्ड को क्या बोला। द क्रो टोल्ड दैट दे विल हैव ए फ्लाइंग कंपटीशन, कौवे ने कहा कि वे एक उड़ने का की प्रतियोगिता रखेंगे, एंड द विनर विल कंटिन्यू टू बी द न्यूज़ रीडर, और जो विजेता होगा वो समाचार वाचक बना रहेगा। वट टाइप्स ऑफ फ्लाइंग ट्रिक्स डिड द क्रो शो, कौवे ने क्या क्या ट्रिक्स यानी तरकीबें दिखाई। द क्रो शोड ही स्किल इन फ्लाइंग, कौवे ने अपनी कुशलता दिखाई उड़ने में।
ही मूव फॉरवर्ड, वो कभी आगे जाता, एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से, ही डिप्ड, वो नीचे नीचे आता, ही फ्लू अप, फिर से ऊपर उड़ता, इन द सर्कल, और वो हवा में गोल गोल घेरे से घूमता उड़ता, एंड ही फ्लोटेड इन द एयर, वो हवा में तैरने जैसा उड़ा। ये तरकीबें उसने दिखाई। वट ट्रिक्स ऑफ द हमिंग बर्ड, वन चीयर ऑफ द फर्म एनिमल्स, हमिंग बर्ड की कौन सी तरकीबों ने बाकी जानवरों को खुश कर दिया। द हमिंग बर्ड फ्लैप्ड हर विंग्स, जो हमिंग बर्ड था उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, एंड स्टेड एट वन प्लेस, और एक जगह पर रुक गया, विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, बिना आगे बढ़े, और बैकवर्ड या पीछे हुए। दिस ट्रिक मेड द फार्म एनिमल्स चीयरफुल, और उसकी इस ट्रिक ने बाकी जानवरों को खुश कर दिया। हाउ कैन यू से दैट द हमिंग बर्ड वॉज कंसिडरेट, आप कैसे कह सकते हो कि जो हमिंग बर्ड वो बुद्धिमान था। द कंसिडरेट मीन्स बुद्धिमान। द हमिंग बर्ड वॉज कंसिडरेट बिकॉज शी सेड टू द क्रो, क्योंकि उसने कौवे से कहा, लेट अस कॉम्प्रोमाइज, कि हम समझौता करते हैं एक, वी शैल बी द न्यूज़ रीडर, हम दोनों ही न्यूज़ रीडर बने रहेंगे ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज मीन्स जैसे दो विकल्प होते, मान लो किसी दिन कौवा समाचार नहीं सुना पाएगा तो उसकी जगह हमिंग बर्ड सुनाएगा, और हमिंग बर्ड जिस दिन नहीं सुना पाएगा उसकी जगह कौवा सुनाएगा। हु वॉज द विनर, विजेता कौन था। द हमिंग बर्ड वॉज द विनर, जो हमिंग बर्ड था वो विजेता था। एड एलवाई टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड मेक देम एडवर्ब, ये जो एडजेक्टिव हैं, पोलाइट, क्विक, वाइज, ब्यूटीफुल, ब्रेव, केयरफुल, इनमें हमें ly को प्लस करना है जिससे कि वो एडवर्ब बन जाएं। जैसे पोलाइट प्लस ly क्या बन जाएगा, पोलाइटली, polite, पोलाइट ly, पोलाइटली। क्विकली quickly, wisely, wisely, ब्यूटिफुली, beautifully, ब्रेवली, बहादुरी से, bravely, चेयरफुली, carefully, care, fearful, careful, इसमें एल वाई और प्लस करेंगे तो यहाँ पे डबल एल हो जाएगा, केयरफुली, सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट, चूज एंड फिल वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस, ये वर्ब दे रखे हैं, इनको हमें चूज करके इनमें फिल करना है। वी ऑलवेज डैश अवर हैंड बिफोर मील्स, हमें खाने से पहले हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। अब इसमें वी जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल के साथ कभी भी ES नहीं आएगा, इसलिए इसमें क्या आएगा, वॉश, WASH। ही डैश ए न्यूज़ पेपर एवरी डे, वो रोज अखबार पढ़ता है, तो ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, S, यानी कि READS, रीड्स। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल डैश थ्री मील ए डे, बहुत सारे आदमी तीन बार खाना खाते हैं। इसमें जो पीपल हैं वो सारे पीपल को लेकर कहा गया है, यानी कि वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, ईट, इसमें एस नहीं आएगा, ई ए टी। शी डैश टू ईट बनाना, वो केला खाना पसंद करती, इसमें शी जो है वो सिंगुलर है, तो लाइक आएगा या लाइक्स, लाइक नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस, तो इसमें क्या आएगा, लाइक्स। काउज एंड बफेलोज डैश ऑन फोडर, जो गाय और भैंस होती है वो चारे पर निर्भर रहती हैं, चारा खाती हैं, तो दोनों क्या हैं, प्लूरल हो गई, तो फीड आएगा, फीड्स, फीड्स नहीं आएगा क्योंकि एस तो प्लूरल के सिंगुलर के साथ आता है, तो इसमें क्या आएगा, फीड। ये आपको लिखना है और सारा याद करना है। थैंक यू।